राधे कृष्णा जी, मैं सीमा शर्मा, शर्मा सोनी किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे से आलू की कचौरी। और ये आप राखी में बना सकते हो मिठाइयों के साथ, आप इसको खीर के साथ, आलू छोलों की सब्जी के साथ खा सकते हो, बहुत अच्छी लगती है खाने में। और इसमें मैंने आटा लिया है, आटा अपने अनुसार लेना है। और ये मैंने इसमें नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, अजवाइन डाला है, और ये मैंने तेल डालूंगी। और तेल डाल के और इसको मिलाऊंगी आटे को, यानी आटा और तेल एक ही हो जाए इस तरह। आटे में तेल डाल के और देखेंगे, अगर ये मूठियाँ बनने लग जाएगी तो हमारा मोई सही लग गया, पर इसमें नहीं लगा। मैं और थोड़ा सा डालूंगी, 2 चम्मच और वो डाल दिया मैंने, और अब मिलाऊंगी इसको। अब ये सही लग चुका है हमारा मोरन। देखिए बिल्कुल सही लग चुका है। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और आटा तैयार करेंगे। आटे को ना टाइट रखना है और ज़्यादा नरम भी नहीं रखना है। नरम तो बिल्कुल नहीं रखना है आटे को, ये देखिए ऐसा लगाना है आटा। तो जब तक हम मसाला तैयार करते हैं, तो ये मैं आलू ले लिए उबाले हुए 5, और अब इसको मैश कर लेंगे आलूओं को। ये मैश हो गए आलू, तो अब इसमें कटी हुई हरी मिर्च 1 डाला है मैंने, और ये अदरक का पेस्ट, और ये कटा हुआ धनिया, ये कस्तूरी मेथी, सौंफ, और ये कूटा हुआ साबुत धनिया है जिसको थोड़ा दरदरा कर लिया। ये स्वाद अनुसार नमक 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, और ये चुटकी भर हींग डाला है मैंने, और ये मोटी मिर्च, और ये गरम मसाला डाल दिया मैंने। आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। और अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे आलूओं में मसाले। अभी मिक्स हो चुका है, तो अब हम लोई लेंगे। ज़्यादा बड़ी नहीं लेना है लोई, पतली छोटी लेना है, क्योंकि हमारे को सिर्फ कचौरी बनानी है, तो बिल्कुल चपाती की जैसे बना लेंगे। और पतली करना है, रखना है चपाती को। और अभी देखिए इसमें मसाला डाल के बीच में, और ऐसे ऊपर से यूँ करके बंद कर लेंगे। और इसको बेलन से नहीं बेलना है, सिर्फ हाथ से दबाना है। कचौरी फटनी नहीं चाहिए, अगर ये मसाला बाहर निकल जाएगा तो इसके अंदर तेल भरने के बाद में हमारी कचौरियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसका आप ध्यान रखना कि कचौरियाँ फटे नहीं, अच्छी तरह मसाले को अंदर अच्छी तरह दबा के लेना चाहिए। अब ये देखिए मैं दूसरी भी ऐसे ही बनाऊंगी। इसको अच्छी तरह बंद करना है, बिल्कुल खुली नहीं रहनी चाहिए कहीं से भी, और बस सिर्फ पास से दबाना है, बेलन से नहीं बेलना है इसको। और मैं तेल गरम कर लिया है, तो तेल को पहले मैंने गरम कर लिया है, फिर इसको कम आंच कर दिया है, और अब इसमें हम कचौरी डाल दिया है मैंने। और इसको बिल्कुल कम आंच में ही सिकाई करना है, क्योंकि हम तेज आंच में सिकाई करेंगे तो ये अंदर से तो कच्ची रह जाएगी और बाहर से सिकाई हो जाएगी। तो आप इसको बिल्कुल कम आंच में सिकाई करना है। सारी कचौरियों को मैं ऐसे ही सिकाई कर लूँगी। आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो शेयर भी करना।